तो दोस्तों इस वीडियो में भाई मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पर रील्स को अपलोड करने का सही तरीका क्या है या फिर रील्स को वायरल कैसे करें। तो भाई अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स को वायरल करना चाहते हो बट आपको रील्स को अपलोड करने का सही तरीका पता नहीं है, आपकी एक भी रील वायरल नहीं हो रही है, सो भाई इस वीडियो को ना एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना भाई, आपकी 100% भाई एक ना एक रील तो वायरल हो ही जाएगी। और भाई जब आपकी एक बार एक रील कोई वायरल होगी ना भाई, उसके बाद देखना आपकी जितनी भाई रील्स वीडियो होंगी भाई सारी की सारी वायरल हो जाएंगी और दोस्तों सभी के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से वीडियो बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, कैसे आपको हैशटैग लगाने हैं, किस टाइम पर अपलोड करनी है। सो भाई उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है भाई इंस्टाग्राम, और दोस्तों यहाँ से ना भाई आपको इंस्टाग्राम का अपडेट भाई चेक कर लेना है कि दोस्तों अगर आपकी इंस्टाग्राम ऐप भाई अपडेट करने के लिए आ रखी है तो भाई उसको सबसे पहले अपडेट कर लेना है। तो भाई मेरी यहाँ पर अपडेट करने को नहीं है, सो भाई यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। तो भाई उसके बाद ना भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई आपको ना ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर भाई रील्स बनानी है। मतलब कि आपको क्या करना है कि भाई आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, तो भाई ओपन करने के बाद ना आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है कि भाई जैसे आप यहाँ पर भाई रील्स में जाते हो ना, तो भाई यहाँ पर भाई आपको ना रील्स को भाई स्क्रॉल करते रहना है। तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि भाई जिस सॉन्ग के ऊपर या जिस डायलॉग के ऊपर भाई आपके सामने बार बार वीडियो आ रही है ना, तो भाई आपको ना उसी से रिलेटेड भाई वीडियो बनानी है या दोस्तों आपको उसी साउंड के ऊपर भाई अपनी लिपसिंग करनी है। तो यार इससे क्या होगा ना कि भाई आपकी वीडियो बहुत जल्दी भाई वायरल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग भाई वीडियो बना के रखते हैं एक टाइम पे, और दोस्तों वैसे में क्या होता ना कि भाई आपकी वीडियो भाई वायरल होनी शुरू हो जाती है। तो यार इसलिए ना भाई जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है ना या फिर भाई जो चीज़ आपके सामने भाई यहाँ पर ज़्यादा आती है ना भाई उसी के ऊपर भाई आपको वीडियो बनानी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं कोई एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये वाला सॉन्ग आप यहाँ पर देख सकते हो भाई जिस सॉन्ग के ऊपर भाई बहुत ज्यादा रील्स बन रही हैं। तो ये आपको क्या करना है भाई, सिंपली यहां पर जाना है और दोस्तों यहां से आपको ऑडियो को यूज करना है और भाई इसके ऊपर रील बना देनी है। बट आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों हमारा सेकंड टिप है कि भाई आपको ना वीडियो पहले से बनाकर रखनी है। जैसे कि भाई ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि भाई वो यहां पर आएंगे और दोस्तों यहां से सिंपली वीडियो को शूट करेंगे और भाई यहां से ही अपलोड भी कर देंगे। तो भाई आपको क्या करना है ना कि भाई आपको यहीं से ही भाई वीडियो को अपलोड नहीं करना है। तो भाई आपको ना अपने फोन में पहले से वीडियो को बनाकर रखना है और भाई उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको यहां से पूरे बैक आ जाना है। तो भाई आप ना जब अपनी वीडियो को भाई शूट कर लोगे ना, उसके बाद भी आपको सिंपली इंस्टाग्राम ऐप को भाई ओपन करना है और भाई यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। जब आप अपनी वीडियो अच्छी खासी बना दोगे तो भाई इससे क्या होगा ना कि जब आप अलग से कोई वीडियो शूट करोगे ना, तो भाई वहां पर आपकी वीडियो की क्वालिटी भाई अच्छी खासी आएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम से भाई आप सॉन्ग उठाकर वहीं पर शूट करते हो और भाई वहीं पर अपलोड कर देते हो तो यार आपकी वीडियो की क्वालिटी भाई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। तो भाई इसलिए ना अलग से वीडियो को शूट करो, एडिटिंग करो, तो भाई इससे आपकी वीडियो और ज्यादा अच्छी देखने को लगे। ठीक है, सो भाई उसके बाद भाई आपको सिंपली यहां पे प्लस वाले आइकन के ऊपर भाई क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर आपको रील्स पर चले जाना है और भाई सिंपली आपको यहां से अपनी रील्स को ले लेना है, जिस भी रील्स को आप अपलोड करना चाहते हो। सो भाई यहां से मैंने अपनी एक रील को ले लिया है। सो भाई उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आप यहाँ पर म्यूजिक के ऊपर भाई क्लिक कर सकते हो और दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ से आप कोई भी एक सॉन्ग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले से लगा के रखा है तो दोस्तों अच्छी बात है, ठीक है। सो भाई उसके बाद ना आपको सिंपली भाई यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और अगर आप चाहो तो भाई फिल्टर वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हो भाई कुछ इस तरह से, बट भाई मैं यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाऊंगा। सो भाई उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाएगा, तो भाई आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर टाइटल और हैशटैग की। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, तो भाई अब आपको टाइटल किस तरह से लगाना है भाई, टाइटल अपनी वीडियो में ऐसा लगाओ जिसको देखकर जिसको पढ़कर लोग कुछ सेकंड के लिए आपकी वीडियो के ऊपर रुक जाए। मान लो कि भाई आपने कोई फनी वीडियो बनाई है तो भाई वहां पर आप लिख सकते हो वेट फॉर एंड, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो और भाई आगे आप हंसने वाले इमोजीज आप वहां पर लगा सकते हो। तो भाई इस तरह से आपको टाइटल लिखना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैंने यहां पर लव लिख दिया है क्योंकि दोस्तों ये सिंपल सी वीडियो मैंने जस्ट ऐसे ही बना के रखी है। और दोस्तों उसके बाद बारी आती है भाई हैशटैग की, कि आपको हैशटैग कहां से लगाने हैं। और दोस्तों जब तक आप अपनी वीडियो में भाई अच्छे अच्छे हैशटैग नहीं लगाओगे आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो सकती है। तो भाई हैशटैग के लिए आपको क्या करना है भाई, मैं आपको एक जबरदस्त सी वेबसाइट बताने वाला हूं। भाई आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। सो भाई ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे भाई सर्च बॉक्स में जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है भाई बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम,
कुछ इस तरह से। और दोस्तों सिंपली आपको लिखकर सर्च कर देना है। फिर दोस्तों पहले नंबर के ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। सो भाई इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई यहाँ से आपको कुछ इस तरह से भाई नीचे आना है। नीचे आने के बाद भाई आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा रील्स वीकली ट्रेंड्स, तो दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर भाई क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे एंड दोस्तों यहाँ से हल्के से नीचे आओगे तो भाई यहाँ पर भाई जो इस सप्ताह के भाई जो ट्रेंडिंग वीडियोज या सॉन्ग है ना भाई वो यहाँ पर आ जाएंगे और दोस्तों उसके हैशटैग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो भाई आपको क्या करना है कि भाई सिंपली यहाँ से हैशटैग को कॉपी करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और भाई वहां पर जाके आपको डाल देने हैं, जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर आकर डाल देता हूं इंस्टाग्राम में। सो भाई यहां से मैं हल्के से नीचे करता हूं इसको कुछ इस तरह से, और दोस्तों यहां पर मैं अपने ये हैशटैग डालने शुरू कर देता हूं, ठीक है। एंड दोस्तों मैं फिर से यहां पर जाता हूं और भाई यहां से अपना दूसरे वाला हैशटैग भाई मैं ले लेता हूं, ये भेड़िया टाइप कुछ है यहां पे हैशटैग, ठीक है। सो भाई इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो भाई इस तरह से ना भाई यहाँ पर आपको 5-6 हैशटैग भाई जो कि ट्रेंडिंग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके भाई मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ नीचे करके। सो भाई इस तरह से ना आपको भाई यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो कि भाई इस सप्ताह के बहुत ही ज़्यादा वायरल हैशटैग्स है भाई वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो भाई आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करके भाई डाल देने हैं, और दोस्तों अपने से कोई भी भाई हैशटैग आपको नहीं लिखना है गलत फलत, भाई यहाँ से आपको ये हैशटैग लगाने हैं। दोस्तों इससे ना आपकी वीडियो भाई 100% वायरल होगी, अगर आपने भाई ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर या फिर डायलॉग के ऊपर या सॉन्ग के ऊपर अगर आपने वीडियो बनाई होगी तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भाई अब बात करते हैं कि आपको वीडियो किस टाइम पर अपलोड करनी है। तो यार आपको ना एक भाई टारगेट रखना है और आपको सोचना है कि यार किस टाइम पर आपकी जो ऑडियंस है भाई वो एक्टिव रहती है या फिर इंस्टाग्राम यूज करती है, रील्स देखती है। तो भाई आपको एक आइडिया लगा कर रखना है। और दोस्तों मैं भी आपको अपना एक पर्सनली एक टाइम बता देता हूँ कि आपको किस टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है। तो भाई अगर आप सुबह वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो भाई सुबह के लिए भाई आप 7-9 बजे के बीच में आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि भाई इस टाइम पर ज़्यादातर लोग भाई जो होते हैं भाई वो इस टाइम पर रील्स वगैरह देखते हैं या फिर स्कूल जाने से पहले या फिर कॉलेज जाने से पहले अपने फ़ोन को एक बार चेक करते हैं, रील्स को ज़रूर से देखते हैं। और अगर आप शाम को रील्स अपलोड करना चाहते हो तो भाई 4 बजे के बाद और 9 बजे तक भाई आप रील्स को अपलोड कर सकते हो भाई, वैसे में आपकी वीडियो 100% वायरल होगी और आपकी रील्स के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आएंगे, अच्छे खासे लाइक आएंगे और आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो भाई उसके बाद ना भाई सही टाइम देखकर भाई आपको यहाँ पर अपनी रील्स को शेयर कर देना है, ठीक है। सर इस तरह से भाई आपको अपनी रील्स वीडियो को भाई अपलोड करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई 100% आपकी वीडियो वायरल होगी। तो दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से भाई थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।